शारदा जायसवाल, मैं हूं पर्वत राज पुरोहित। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में प्रसाद में मिलावट को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। प्रसाद में फिश ऑयल और जानवरों की चर्बी मिलने की हुई पुष्टि। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि HDDB के तहत CALF लैब की एक जांच रिपोर्ट में हुआ खुलासा। गुजरात के सूरत में 5 साल की नाबालिग के साथ बलात्कार की ऐसी घटना सामने आई है जिसके बारे में जानकर आप भी हो जाएंगे दंग। नाबालिग बच्ची के साथ उसके ही बड़े पापा ने किया दुष्कर्म। घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। देश भर में बढ़ते जा रहे हैं साइबर क्राइम के मामले। गुजरात के सूरत से ऐसे ही एक मामला सामने आया है जहां सोशल मीडिया के जरिए 31 वर्षीय युवक को न्यूड वीडियो कॉल की जाल में फंसा कर किया जा रहा था ब्लैकमेल। बदनामी के डर से युवक ने खुद की जीवन लीला कर ली समाप्त। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग सहित 2 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपी सोशल मीडिया पर फेक नाम से बनाकर रखा था अकाउंट। यूपी के संभल जिले से चौंकाने वाला मामला आया सामने। भाई और मां के साथ घर जा रही बाइक सवार दुष्कर्म पीड़िता की 2 बदमाशों ने गोली मार कर दी हत्या और फिर मौके से हुए फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर शुरू की जांच पड़ताल। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 42 दिनों के बाद जूनियर डॉक्टरों ने आखिरकार अपनी हड़ताल ले ली है वापस। गुरुवार को हुई एक बैठक के बाद प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने लिया यह फैसला। लंबे समय से चल रही हड़ताल ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को किया है काफी प्रभावित। भाजपा नेता नीतीश राणे ने महाराष्ट्र के नंदुरबार में गणपति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा को लेकर दिया विवादित बयान। कहा कि अगर पत्थरबाजी नहीं रुकी तो अगले साल हिंदुओं पर फेंके गए पत्थरों का होगा हिसाब। बता दें कि नीतीश राणे का ये बयान नंदुरबार और अकोला में हुई हिंसा के बाद आया। महाराष्ट्र के कई जिलों में बढ़ रहा है तनाव। नंदुरबार और धुले में ईद मिलाद के दिन जुलूस पर हुआ पथराव। वहीं महाराष्ट्र के अकोला जिले में भी गणपति विसर्जन के दिन जुलूस पर फेंके गए पत्थर। नेरल माथेरान कॉरिडोर को अगले महीने शुरू करने जा रहा है सेंट्रल रेलवे। नेरल माथेरान रूट पर 15 अक्टूबर के बाद चलेगी टॉय ट्रेन। मानसून के दौरान बंद हो जाता है टॉय ट्रेन रूट का एक हिस्सा। दरअसल इस पहाड़ी ट्रेन कॉरिडोर पर मिट्टी का होता है कटाव, लेकिन अब मिट्टी के कटाव और पानी के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए बनाए जाएंगे चैनल और बांध। परियोजना की लागत लगभग 5 करोड़ रुपए होगी और इसे पूरे होने में लगेंगे 12 महीने। अक्टूबर के पहले हफ्ते से शुरू हो सकती है मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन। दरअसल मेट्रो 3 कॉरिडोर के पहले फेज की शुरुआत के लिए मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने पूरी की तैयारी। आरे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच 12 किलोमीटर लंबे इस मेट्रो कॉरिडोर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं उद्घाटन। थाने जिले के मुमरा कलवा में 24 घंटे होगी पानी की किल्लत। आज रात 12 बजे तक थाने शहर में नहीं आएगा पानी। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने समाचार एजेंसी ANI और गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों के वकील अमित मिश्रा को भेजा मानहानि का नोटिस। दरअसल कथित वकील अमित मिश्रा ने ANI के दिए इंटरव्यू में किया था दावा कि सलमान खान के दाऊद गैंग के साथ है संबंध। 4 सितंबर को प्रकाशित किया गया था लेख। सलमान की कानूनी टीम ने नोटिस भेजकर सभी आरोपों को किया खारिज। कहा सलमान खान की छवि को खराब करने का किया गया था प्रयास। विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में सीटों पर जारी है माथापच्ची। दरअसल मुंबई की 36 सीटों पर हो रहा है मंथन। सूत्रों के मुताबिक के शिवसेना UBT ने मांगी है सबसे अधिक सीटें, जिसके चलते फंस रहे हैं पैच। मुंबई की कई ऐसी सीटें हैं जिसमें कांग्रेस और उद्धव ठाकरे दोनों गुट कर रहे हैं दावा। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में अब बनाए जाएंगे वंदे भारत ट्रेन के पार्ट्स। MIDC को मिला है 100 करोड़ रुपए से अधिक का प्रोजेक्ट। करीब 200 स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में 2 समुदाय के बीच पैदा हुआ तनाव। दोनों पक्षों की ओर से जमकर हुआ पथराव। घटना में कई लोग हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए छोड़े आंसू गैस के गोले और भीड़ को किया तितर बितर। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल आज से हरियाणा में पार्टी के चुनाव प्रचार की करेंगे शुरुआत। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने दी जानकारी। कहा कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल 11 जिलों में 13 कार्यक्रमों में लेंगे भाग, जिसमें डबवाली रानिया भिवानी महम असंध और बल्लभगढ़ निर्वाचन क्षेत्र है शामिल।
दिग्गज टेक कंपनी एप्पल की आईफोन 16 सीरीज की बिक्री आज से भारत में हो गई है शुरू। मुंबई और दिल्ली में सेल शुरू होने से पहले ही स्टोर के बाहर लोगों की दिखी लंबी लाइन। एप्पल स्टोर खुलने से पहले ही सुबह लोग स्टोर के बाहर दौड़ते आए नजर। मध्य प्रदेश के हरदा जिले से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। एक रिटायर्ड इनकम टैक्स अधिकारी ने नाबालिग दिव्यांग दलित युवक को बेरहमी से पीटा। पुलिस ने नाबालिग के पिता की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी रिटायर्ड अफसर का आरोप था कि लड़के ने कार पर किया था पेशाब। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने दिया भड़काऊ बयान। यूपी के मुरादाबाद में एक चुनावी सभा में शौकत अली ने कहा कि कांग्रेस से मुसलमानों का तलाक 1992 में हुआ, तब उनके वोटों की भीख पर बनती थी सरकार, लेकिन 1992 के बाद से कभी नहीं बनी। उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के अध्यक्ष शौकत अली ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को लेकर दिया विवादित बयान। कहा कि मुलायम सिंह जुआ खेलते थे, उन्होंने जुए में ही पहली बार जीती थी साइकिल, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह रखा है साइकिल। मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग के राजा के दरबार में भक्तों ने खुलकर किया है दान। भक्तों ने कैश के साथ सोने और चांदी का भी किया है चढ़ावा। लालबाग के राजा के दरबार में किए गए दान और चढ़ावे की गिनती है जारी। गुरुवार को किए गए गिनती के दौरान कुल 48,60,000 रुपए की नगद राशि हुई है प्राप्त। यूपी के गोरखपुर से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। एक शिरफिरे आशिक ने एक तरफा प्रेम और शादी से इनकार करने पर छात्रा को कार से कुचलकर उतारा मौत के घाट। मृतक छात्रा के परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की आगे की जांच। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने बीजेपी पर बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए साजिश रचने का लगाया आरोप। आतिशी ने किया दावा, कहा कि अगर 4 महीने तक मैं मुख्यमंत्री रहूंगी तो मैं दिल्ली वासियों की करूंगी रक्षा। कहा दिल्ली वासियों का नहीं बढ़ने दूंगी बिजली बिल। दिल्ली के शाहदरा इलाके में दिखा तेज रफ्तार का कहर। फुटपाथ पर सो रहे 3 मजदूरों को कार ने कुचला। हादसे में एक व्यक्ति की हुई मौत, वहीं दूसरा गंभीर रूप से हुआ घायल, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी कार चालक को किया गिरफ्तार। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी कल मुख्यमंत्री पद की लेंगी शपथ। उनके साथ मंत्रिमंडल के अन्य मंत्री भी लेंगे शपथ। सिविल लाइंस के फ्लैग रोड स्थित बंगला होगा आतिशी का नया आवास। भाजपा विधायक नितेश राणे के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM नेता वारिस पठान ने किया पलटवार। कहा कि कुत्ते भोंकते रहते हैं, शेर को नहीं पड़ता है कोई फर्क। कहा नितेश राणे बोलते हैं कि 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा दो। कहा अगर यही बात मैंने कही होती तो मैं जेल में होता। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए N24 न्यूज चैनल और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को लाइक फॉलो और शेयर जरूर करें। नमस्कार।